बल्ले बल्ले होगी, नजारा आ गया भाई, क्या बात है। रिक्शा ड्राइवर बताओ, आप इतने हिट कैसे हो गए आज? मैं हिट तो ये सब जी टीम, जो टीम वर्क है ना, हाँ जी, उन्होंने हिट की है। ये चौक सामने दिखाई दे रही है, कमाल कर दिया, वोट किया, ऐसी हल्लाशेरी दी है जो आप सबकी वजह से, दूसरी जो पब्लिक है जी देख रही है, उन्होंने हिट किया जी गाना, बढ़िया भी दिए। अगर पेट कम कर लिया जाए तो कैसा रहेगा भाई? खाने पीने वाले आदमी कहीं पर गोला चलाना पड़ा, मका दो ये आदमी, ये नहीं होगा ये जो आप बताओ। हाँ जी पूछिए। आपको पाकिस्तान से भी धमकी यार कमाल धमकी दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं तो बोलता हूँ सामने बहुत कर लेंगे, पाँच छह दस को तो देख के ही छोड़ूंगा, उसके बाद में देखा जाएगा। तो आज की तारीख में जो आपका गाना है सुपर डुपर हिट हो गया है और पूरे वर्ल्ड में आपका गाना वायरल हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो आपको कितनी खुशी है इसको लेकर? खुशी इतनी है जी, पीता मैं, शराब नहीं पीते, टच नहीं करते, लेकिन मजबूरी से पीनी पड़ती है। पीनी नहीं तो कमाल होगी, बकरा भी बनाया, मतलब दो बोतलें, सब बोतलें हम चार आदमी पी गए। वाह जी वाह, ओए खुश की मत, मैं रहा नहीं वो चार आदमी कौन कौन थे? चार आदमी अजीज जिन्होंने इतनी सेवा की, मैं इनका इतना ऋणी हूँ कि इनका मैं जो कर्ज है वो ये जन्म में तो नहीं उतार सकता, कभी परमात्मा ने दिया। मतलब ये है कि अगले, इसका मतलब अगले जन्म में भी बूंगे वाले की कलम चलेगी चलेगी जी, चलेगी, सुनना पड़ेगा सभी, पूरी टीम एक साथ में होगी जी। इनोवेशन बनना पड़ेगा जीत पाजी। आप म्यूजिक डायरेक्टर थे इस गाने में जो आपने किया है, आप देखो कल के तो जो लोग हैं कहते हैं बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस और क्या पसंद है, और क्या पसंद है। अब मैं चाहता हूँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे देश को, देश का जज्बा पसंद है, प्रेम पसंद है। ये बोलो ना, बेबी को बेस पसंद है, मुझे पसंद है, देश पसंद है। एक चीज बताओ, मस्ती करी है गायक बुंगे वाला जी ने, जो गर्म रहे उनको गर्मी का पता ही नहीं चला। वाह जी वाह, हमारे फौजी भाई जो गर्म उन्हें सुन हो के खड़ा रहते, एक उसको बड़ा मजा आया जी, उसने बड़ी मस्ती करी। इसके अलावा जो शूटिंग के दौरान पूरे गांव ने, पूरे गांव ने जिस जो है पूरा का पूरा देखा, उन्हें विस्तार देखा, उन्होंने बहुत सी की और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, वो भी खड़े रहे गर्म रेत पे मस्ती के साथ। लेकिन जो राणा साहब ने झंडा लहराया तिरंगा झंडा, कमाल करती जी, ऐसा आप देखोगे वीडियो में, तिरंगा ही तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा नजर आता। एक और खुशी की बात, जब राणा साहब को कि झंडा है तिरंगा झंडा लहराता, चार पांच छह रिश्ते आ गए जी। एक इतनी स्मार्ट कुड़ी, इतनी बेहतरीन, हमारे हमारे मुशर्रफ भाई का रिश्ता हो गया, इस तरह से तिरंगा लहराया है मुझे। जल्दी आप इन सभी लोग, जितने भी 200-300 करोड़ लोग देख रहे हो, इनकी शादी भी पहुंच जाना टाइम से, जरूर आना, रिश्ते आ रहे, ये स्टार बन गए। अच्छा शास्त्री जी, आप जैसे डायरेक्टर रहे हो तो आप तो कुछ आप कोई इवेंट दीजिए। डायरेक्टर ने कितनी मस्ती करी, डायरेक्टर ने तो फुल मस्ती करी, गर्म रेत पे, गर्म रेत में सबके साथ, गर्मी में सबके साथ, गर्मी में मस्ती करी, वाह ऐसी मस्ती मैंने कभी नहीं। अच्छा क्या भावना थी आपकी इस गाने को लेकर? देश प्रेमी, मेरे लोगों की धरती, लोगों को बेस पसंद है, हमें देश पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, हमें देश पसंद है। और, जो, और जो हमारे वृक्ष साहब ने जो गाना गाया है, बस ये समझिए जो इसमें बोल लिखे हैं वृक्ष साहब ने, वो ये लिखे हैं कि दिल को छूने वाले हैं, और आज जो है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये गाना बज रहा है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। और हम वृक्ष साहब को बधाई देते हैं कि आपने ऐसे बोल लिखे, और आपको इस गाने की एक और बात जी मैं कहना चाहता हूँ कि राणा साहब चौहान जी, इन्होंने हमारे को शांत करने की बहुत कोशिश की थी, ठंडा करने की, लस्सी पूरे शुद्ध दूध की, घर की लस्सी और मक्खन, शूट पे लस्सी जो लेके आए हैं कि चलो इनको गर्मी ना लगे, लेकिन गर्मी तो हमारे को गाने की थी, जो बॉर्डर पे हमारे भाई लड़ रहे थे
तो गर्मी तो हमारे लोगों को पूरी टीम को चढ़ी हुई थी, लेकिन हम लस्सी का एंजॉय भी किया और गर्मी का भी एंजॉय किया, गर्म रेत का भी किया। तो अब अभी एक बात और बताइए, अभी आपका नेक्स्ट गाना जो आने वाला है वो देश हित में आने वाला है या बिल्कुल जी बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग? नहीं जी नहीं, रोमांटिक तो बाद में देखा जाएगा, अभी पहले इनको सुलझ लें जो बॉर्डर पे है ना। हाँ जी, हमारे को धमकियां दे रही हैं, इनको निजिठ लें, उसके बाद में रोमांस भी करें, रोमांस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। यार ये बात सुन लो, किसी को दिखा दे तुम्हारे से जवान लग रहा हूँ। बिल्कुल भी बिल्कुल, थोड़ा कैमरे को नीचे करिए, पेट नहीं दिखाना, गोला फेंकना पाकिस्तान में वो ठीक नहीं। देखिए देखिए असला नहीं दिखाना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी क्या होती है कि अगर हम बुड्ढों का पेट दिखा देंगे ना, या मतलब वीर साहब दो लाइन सुना दीजिए इसमें, सिर्फ दो। हाँ चलिए दो लाइन सुन, सारे गाएंगे हम साथ। कश्मीर मंगदा मंगदा लाहौर बिखो बैठेगा तू, लाहौर बिखो बैठेगा तू, पीओ के तो भी लगता हद तो बैठेगा तू, सन 71 वांग तेरियां रड़का कड़ांगे, तेरियां रड़का कड़ांगे, कश्मीर चढ़ के वे